इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीआईटी में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग की वजह से ऑनलाइन फॉर्म में आई थी कमी। विशेषज्ञों के फीडबैक और विश्लेषण के बाद फैसला। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने जानकारी दी है। तो बड़ी खबर, सीआईटी में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग की वजह से ऑनलाइन फॉर्म में कमी आई थी और विशेषज्ञों के फीडबैक और विश्लेषण के बाद ये फैसला किया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने ये जानकारी दी है। राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर अभी से शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा, तो वहीं भाजपा की ओर से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाबी हमला किया है। आपको बता दें कि डोटासरा ने सीएम पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को काम पर फोकस करना चाहिए, कुर्सी बदलते नहीं लगती है। और पार्टी की अंदरूनी खलल को लेकर भी उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे भी खाली नहीं बैठी हैं, कुछ ना कुछ कर रही होंगी। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा को उछलकूद मचाने वाला नेता बताया। मदन दिलावर ने डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट मंत्री ज़्यादा उछलकूद कर रहे हैं। तो उपचुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है, कुर्सी बदलते देर नहीं लगती है, डोटासरा ने कहा है, उछल कूद कर रहे हैं कांग्रेस के भ्रष्ट मंत्री मदन दिलावर की तरफ से कहा गया है। तो सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से उछल कूद कर रहे हैं। ये वो दिन भूल गए जब मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेश के सम्मानित शिक्षकों से पूछा कि तबादलों में, शिक्षा विभाग में नोट तो नहीं चल रहे। सब ने एक स्वर में कहा जोर से चल रहे हैं, यानी गोविंद सिंह डोटासरा जी को इनडायरेक्ट में भ्रष्ट कहा। और ऐसे भ्रष्ट लोग अब बहुत उछल कूद कर रहे हैं, ये भी भूल गए ये तो जो आला कमान इनके प्रतिनिधि आए थे, जिसको दूत कहा जा सकता है, उनकी भी बात को नकारा, नकार के अलग से मीटिंग की। और जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लोग परेशान थे, तब ये जाकर के जैसलमेर साइड के होटलों में डांस कर रहे थे, मजे ले रहे थे। अरे भाई, ये आ तो रहे ना, 6 महीने बाद में देखना, ये भी नहीं आएंगे जो आज आए हैं। अब वो राठौड़ साहब की हाजिरी ले रहे थे कि बैठा क्यों नहीं, चला क्यों गया, आप बताओ। नेता प्रतिपक्ष थे और पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी, और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी, और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाए दरी के ऊपर। क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? अरे नेताओं का इतना अपमान तो मत करो, टिकट गई तुम्हारी भाड़ में, इतना अपमान तो मत करो। राजेंद्र जी राठौड़ कोई छोटा नेता है? 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी, और उस आदमी के लिए आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते हो, तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी में बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है, उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है,